मोटापा एक गंभीर समस्या है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा भी। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अधिक वसा एकत्रित होने लगती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मोटापा एक दुष्चक्र का काम करता है जिससे निकलना मुश्किल है। बच्चों में मोटापा एक बड़ी समस्या है जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। खानपान में गड़बड़ी या जंक फूड व अधिक वसा और तैलीय भोजन का अधिक मात्रा में सेवन, साथ ही शारीरिक श्रम न करना, ऐसे कई कारक हैं जिनकी वजह से वजन बढ़ सकता है। कुछ मामलों में बीमारियां भी इसका कारण हो सकती हैं। आजकल करीब 20% बच्चे मोटापा रोग से ग्रस्त पाए जाते हैं। मोटापे के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, जैसे कि अनुवांशिक रोग जिनको हम जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड की समस्या, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कुछ बच्चों को सेवन करनी पड़ती हैं, जैसे कि मिर्गी की दवाइयाँ या मानसिक रोग की दवाइयाँ। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होते हैं, जैसे कि बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम, जो कि बच्चों के व्यायाम और बाहरी खेल कूद को प्रभावित करता है, उसके लिए टाइम कम छोड़ता है, या बच्चों के द्वारा अत्यधिक प्रोसेस फूड खाए जाना, संतुलित आहार ना खाना, जिससे कि उनको ज़्यादा फैट और ज़्यादा रिफाइंड शुगर मिलते हैं, जो कि वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। आजकल न सिर्फ व्यस्क बल्कि बच्चे और किशोर भी मोटापे से प्रभावित हो रहे हैं। बचपन से मोटा होना चिंता का विषय है, क्योंकि मोटे बच्चे अधिकतर मोटे व्यस्कों के रूप में विकसित होते हैं। बच्चों में मोटापा होने पर कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, या ये कहें कि बच्चों में मोटापा अपने आप में तो समस्या है ही, साथ ही कई अन्य गंभीर बीमारियों के लिए प्रवेश द्वार भी है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है, इसे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है। मोटापे को मापने का पैमाना बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है, जो कि बच्चों के वजन और लंबाई पर निर्भर करता है। 85% से 95% वाले BMI वाले बच्चे ओवरवेट कहलाते हैं या ज्यादा वजन वाले कहलाते हैं, और जो 95% से ऊपर निकल जाते हैं उनको हम मोटापा रोग से ग्रसित या ओबेस बोलते हैं। मोटापे के कुछ लक्षण शरीर का स्थूलकाय दिखना, चलने में सांस फूलना, जोड़ों में दर्द या सांस में दिक्कत हो सकती है। यदि मोटापा रोग आ गया है तो इससे ठीक किया जा सकता है यदि हम अपनी दिनचर्या को चेंज कर लें, नियमित व्यायाम करें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, यदि कोई हार्मोनल समस्या है तो उसका इलाज कराएं और अपना भोजन संतुलित रखें। अवसाद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अवसाद मोटापे को बढ़ाता है। बच्चों में मोटापा होने पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, नींद संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का उपयोग नहीं कर पाती, किशोरियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का खतरा बढ़ता है। स्वास्थ्य समस्याओं के साथ मोटे बच्चों में आत्मविश्वास में कमी आती है और वो अक्सर डिप्रेशन यानी अवसाद की गिरफ्त में आ जाते हैं। मोटापे से बचा जा सकता है यदि हम अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं, बच्चों को संतुलित आहार के बारे में जानकारी दें, उनका स्क्रीन टाइम कम रखें, बच्चे को खेल कूद और व्यायाम में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई समस्या है तो उसका डटकर सामना करना है और हमें एक समाज के रूप में प्रयत्न करना है कि मोटापे रोग से अपने बच्चों को मुक्त कराएं। मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में मामूली वजन घटाने से सुधार हो सकता है। यदि आपके बच्चे का वजन तेजी से बढ़ रहा है तो उसे कम करने के उपाय करें। यदि बच्चे का वजन अधिक है या वो जरूरत से ज्यादा मोटा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मोटापा आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। शुरुआत से ही बच्चों के रहन सहन और खान पान की आदतों पर ध्यान दें, जिससे बच्चे में मोटापा ना हो और वो स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। कुछ लोग